चलिए, तो आज हम लोग कॉस्टिंग का अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। अगला चैप्टर है हम लोग का शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है ये। तो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग आपका एग्जाम में कितना मार्क्स कवर करेगा? तो भाइयों और बहनों, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग जो चैप्टर है वो आपका एग्जाम में टोटल 10 मार्क्स कवर करेगा। कितना मार्क्स कवर करेगा बताइए? 10 मार्क्स। कितना मार्क्स कवर करेगा बताइए? 10 मार्क्स। ये चैप्टर से 10 मार्क्स का एक सम्स आपका एग्जाम में आएगा। कितना मार्क्स का बाबू? 10। 10 मार्क्स का एक तो सम्स आपका एग्जाम में इस चैप्टर से आएगा और बहुत इजी चैप्टर है। तो भाइयों और बहनों, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। तो इस चैप्टर में भाई क्या पढ़ने वाले हो? तो भाइयों और बहनों, इस चैप्टर में आपको क्या करेगा, बहुत सारा ऑप्शन देगा और आपको पूछेगा कि बताइए कौन सा ऑप्शन एक्सेप्ट करेंगे, कौन सा ऑप्शन रिजेक्ट करेंगे। तो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में हम लोग को क्या करना है, ऑप्शंस दे देगा, कॉस्ट को कंपेयर करना है, प्रॉफिट को कंपेयर करना है और कंपेयर करके देखना है कि कौन सा हम लोग का प्रॉफिट होगा, कौन सा प्रॉफिट नहीं होगा, कौन सा एक्सेप्ट करेंगे, कौन सा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, तो इस चैप्टर इसीलिए इसका नाम है शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, क्योंकि आप सोचोगे कि शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग इसका नाम क्यों है, क्योंकि आपको यहां पर ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको डिसाइड करना रहेगा कि कौन सा मेरे लिए प्रॉफिटेबल ऑप्शन है। मतलब एज अ बिजनेसमैन आप पैसा कहां इन्वेस्ट करोगे, कौन सा प्रॉफिटेबल ऑप्शन है। तो सो देखिए, कॉमर्स के स्टाइल में समझिए, बात जब प्रॉफिट का होता है तो हम लोग हमेशा वो ऑप्शन चुनेंगे जिसका प्रॉफिट ज्यादा हो, और बात जब कॉस्ट का होगा तो हम लोग हमेशा वो ऑप्शन चुनेंगे जिसमें कॉस्ट क्या लगेगा, कम। ये दो तरीका से आप कंपेयर करोगे। अगर बात कॉस्ट का होगा तो आप देखना दोनों में से कम कौन सा है, और बात अगर प्रॉफिट का होगा तो आप देखना दोनों में से ज्यादा कौन सा है। वेरी इजी चैप्टर, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, तो भाई और बहनों, सबसे पहले इसका फॉर्मेट, चैप्टर का फॉर्मेट क्या है वो आप देख लीजिए। आइए, देखिए, बहुत ही स्ट्रेट फॉर्मेट है जो आपको पहले से भी फॉर्मेट पता है। एक स्टेटमेंट बना लीजिएगा, अगर कभी प्रॉफिट निकालने बोलेगा तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का एक फॉर्मेट होगा, वो बात मत करिए। प्रॉफिट निकालिएगा तो एक फॉर्मेट बना लीजिएगा। क्या फॉर्मेट बना लीजिएगा भाई? फॉर्मेट का देखिए, ध्यान दीजिए क्या क्या चीज आता है फॉर्मेट में। सबसे पहले आएगा सेल्स, सेल्स का अमाउंट लिख दोगे, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो दिया ही रहेगा। सेल्स में से माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे भाई? वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या आ जाएगा बोलो? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिर एक चीज माइनस होगा, फिक्स कॉस्ट। तो क्या आ जाएगा बाबू? प्रॉफिट। यही फॉर्मेट है। अब ये फॉर्मेट हम लोगों को इस चैप्टर में काम आने वाला है, बस बाकी सम्स बनाएंगे तब तक कैलकुलेशन करेंगे। नॉर्मली ये फॉर्मेट खाली याद रखिएगा, क्या है फॉर्मेट में बताइए स्टेप। सबसे पहले क्या लिखेंगे बोलो? सेल्स। सेल्स में से क्या माइनस करोगे? वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या आ जाएगा बोलो? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से क्या माइनस करोगे? फिक्स कॉस्ट। तो क्या आ जाएगा बोलो? उधारी। जल्दी उधारी, उधारी ऑनलाइन वाला उधारी, फिर सम्स करते हैं डायरेक्ट। हो गया बाबू? Thank you.
चलिए अब सम्स निकालिए। देखिए सम्स बनाएंगे, कोचिंग का बुक निकाल ली जाऊ। पेज नंबर कितना? 16। पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 1 आ जाओ। देखो क्या बोला है, अ कंपनी प्रोड्यूसेस, ध्यान दीजिएगा, अ कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स टू प्रोडक्ट ए एंड बी। कंपनी इनकर्स 1 लाख पर एनम। कंपनी दो प्रोडक्ट बनाता है, एक प्रोडक्ट ए और एक क्या बाबू प्रोडक्ट बी, और कंपनी 1 लाख रुपया खर्चा करता है फिक्स ओवरहेड में। फिक्स ओवरहेड मतलब फिक्स कॉस्ट, फिक्स ओवरहेड मतलब क्या बाबू? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में कंपनी 1 लाख खर्चा करता है। प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, डायरेक्ट मटेरियल का दिया हुआ है, एक पीस का 50 रुपया, 50 पैसा पर केजी। प्रोडक्ट ए में खर्चा, प्रोडक्ट ए को बनाने में कितना खर्चा हुआ बताइए? प्रोडक्ट ए को बनाने में खर्चा हुआ 200 रुपया। कितना रुपया खर्चा हुआ बाबू? 200 रुपया। उसके बाद देखिए प्रोडक्ट बी में 250, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है 100, 150, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट 100, 150, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 520, 715। डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर कंपनी कंसीडर फॉलोइंग अल्टरनेटिव। कंपनी के पास ये दो ऑप्शन है, 1000 यूनिट ए और 600 यूनिट बी बनाए, या फिर 600 यूनिट ए और 1000 यूनिट बी बनाए। ये दो ऑप्शन कंपनी के पास है, मतलब इसको बोलते हैं सेल्स मिक्स। सेल्स मिक्स मतलब कंपनी के पास दो ऑप्शन है, 1000 यूनिट ए और 600 यूनिट बी, या फिर 600 यूनिट ए और 1000 यूनिट बी। तो बोला बताइए कंपनी कौन सा मेथड एक्सेप्ट करेगा, कौन सा ऑप्शन अच्छा होगा। तो ऐसे तो हम लोग डिसीजन नहीं दे सकते, हम लोग क्या करना होगा, दोनों डिसीजन पे मतलब सेल्स मिक्स वन और सेल्स मिक्स वन टू टू, दोनों अलग अलग कॉम्बिनेशन पे हम लोग प्रॉफिट निकाल के देखेंगे। जिसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा वो वाला हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, बस यही सम्स। ऑप्शन दिया पहला ऑप्शन क्या है, 1000 पीस ए और 600 पीस क्या है वो बी। दूसरा ऑप्शन क्या बताइए, 600 बी और 1000 ए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले क्या करना होगा बताइए, हम लोग प्रॉफिट निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दिया ही हुआ नहीं है, जो भी है इंफॉर्मेशन उससे निकल जाएगा, एक चार्ट टाइप का बना लेंगे। देखिए प्लीज ध्यान दीजिए, बहुत इजी चैप्टर है, पर्टिकुलर्स सेल्स मिक्स वन और सेल्स मिक्स टू। सेल्स मिक्स क्या बाबू? वन, और सेल्स मिक्स क्या बाबू? टू। सेल्स मिक्स वन में क्या बताइए, ए कितना पीस है बताओ, ए कितना पीस है बोलो, ए है आपका 1000 पीस, अभी कितना पीस बोला है 600। और सेल्स मिक्स टू में क्या बोला है, बी कितना 600, 1000 और ए कितना 600, मतलब उल्टा है, एक में 1600 और एक में 600 1000, सिंपल समझिए यूनिट्स है। अब देखिए मिक्स मतलब हो गया कॉम्बिनेशन, कि ये कॉम्बिनेशन में लोग प्रोडक्ट बेचेंगे। अब आ जाओ सबसे पहले प्रोडक्ट का खर्चा, प्रोडक्ट का क्या बाबू? खर्चा। तो क्वेश्चन में ए का क्या खर्चा दिया बताइए, ए का अगर पहला कॉम्बिनेशन ए का रेट कितना है बताइए, 120 दिया हुआ है ना। देखिए देख ले एक मिनट, देखिए अच्छा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है सर, सेलिंग प्राइस अलग अलग दिया हुआ सबका। अच्छा अगर आप टोटल कॉस्ट का बात करेंगे, टोटल कॉस्ट कितना है का दिया हुआ है, तो देखिए सेलिंग डायरेक्ट मटेरियल का दिया हुआ है इसका 200 रुपया, और उसका कितना दिया बाबू 250, एक का तो कितना रुपया दिया बताइए 200, और एक का कितना दिया बताइए 250, और दूसरा का कितना बताइए, दूसरा का है आपका डायरेक्ट वेजेस से 100 और कितना बाबू 150। अच्छा दोनों का अलग अलग रेट दिया हुआ है, तो हम लोग को पहले क्या निकाल के देखना होगा कि भाई दोनों का कॉस्ट कितना कितना होगा, दोनों का कॉस्ट कितना होगा, क्या रेट है कॉस्ट का नहीं है वो हम लोग को निकाल के देखना होगा, बात समझे। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना कितना रुपया दिया बताइए, 520 सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। अच्छा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ, फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में है ही नहीं, फिक्स कॉस्ट है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ क्या निकाल पाएंगे हमें बताइए,
सिर्फ हम लोग कंट्रीब्यूशन निकाल पाएंगे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है, सिर्फ हम लोग क्या निकाल पाएंगे बताइए, कंट्रीब्यूशन। तो पहले सेल्स लिख लोगे, सेल्स प्राइस कितना बताइए, सेल्स प्राइस कितना बताइए, दो प्रोडक्ट है ना ए और बी, रुकिए पहले हम लोग दोनों प्रोडक्ट का क्या निकाल लेंगे, कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए का सेलिंग प्राइस कितना दिया, देखिए बोलिए 520, और प्रोडक्ट बी का 715। अब सेल्स में से क्या माइनस होगा बताइए, वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या है बताओ, वेरिएबल कॉस्ट कितना कितना है बोलो, आइटम का नाम मटेरियल लेबर कुछ होगा ना, मटेरियल कितना, मटेरियल नहीं है, मटेरियल भी तो वेरिएबल कॉस्ट ही है बाबू, मटेरियल भी तो वेरिएबल कॉस्ट होता है, कितना रुपया बताइए 200। उसके बाद लेबर, वेजेस मतलब लेबर कितना 100, और उसके बाद ओवरहेड, ओवरहेड कितना बाबू 100। तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा बोलो, मतलब ए अगर बेचते हैं, अगर हम लोग ए नाम का प्रोडक्ट बेचते हैं तो कितना रुपया कमाई होगा 120। अब बी नाम का प्रोडक्ट में किसका बोला, मटेरियल बोलिए 150, कितना बोलिए 250, पहला का 250, उसके बाद 150 और फाइनल आंसर 165। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट ए में मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होगा बताइए, पहले हम कंट्रीब्यूशन निकाल लिए दोनों का, फिक्स कॉस्ट रहता तो फिक्स कॉस्ट भी माइनस करते तो प्रॉफिट आया था, फिक्स कॉस्ट तो है ही नहीं क्वेश्चन में। तो कंट्रीब्यूशन ए का कितना आ गया 120, अभी का कमाई कितना होगा 165। अब हम लोग क्या बनाएंगे, अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन से मेरा ज्यादा कमाई हो रहा। दो मिक्स है हम लोग के पास, एक सेल्स मिक्स 1 और एक क्या हुआ सेल्स मिक्स 2। बहुत इजी टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा यहां पर पर्टिकुलर्स, सेल्स मिक्स 1 और सेल्स मिक्स क्या हुआ 2। सेल्स मिक्स 1 में क्या बताइए, कैलकुलेशन ऑफ ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट निकाल रहे, देखिए सेल्स मिक्स कितना दिया बताइए। तो सेल्स मिक्स निकालना है हम लोग को, यहां पर दो कॉमोडिटी है, प्रोडक्ट क्या क्या था बताइए, प्रोडक्ट ए है और क्या बाबू बी, ए में कितना कमाई है, ए का रेट है कमाई का 120, अभी का रेट का कमाई कितना बताइए 165, ए का कंट्रीब्यूशन कितना है 120, अभी का कंट्रीब्यूशन कितना 165। अब कॉम्बिनेशन बनाइए, सेल्स मिक्स 1 में क्या है, ए कितना पीस है बताइए 1000, तो 1000 इंटू 120, अभी कितना पीस है 600 इंटू 165 करिए कितना है 1000 इंटू 120, 1,20,000, 600 इंटू 165 99,000 टोटल इनकम, मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन 2,90,000। अब क्वेश्चन में देख लीजिए एक बार कि कहीं कोई फिक्स कॉस्ट बोलते कुछ बोला है क्या, देखिए ठीक से देखो कहीं पे कुछ भी, कहीं कुछ बोला है, देखिए पूरा लाइन को पढ़ो, रुको हम पढ़ते हैं। हाँ देखिए फिक्स कॉस्ट पर यूनिट तो नहीं दिया हुआ था, लेकिन टोटल दिया हुआ, देखो ऊपर में ही दिया हुआ है, कंपनी इंटर्स 1,00,000 टूवर्ड्स फिक्स ओवरहेड, कंपनी का फिक्स कॉस्ट कितना है बाबू 1,00,000। तो सर आप वहां पे नहीं लिए, रूल क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट। तो सर वहां पे आप माइनस क्या नहीं किए, आप खुद सोचो ना, वहां पे हम पर यूनिट का निकाले, आइए क्या है टोटल है, पर यूनिट से आप टोटल को माइनस कैसे कर सकते हो, पर यूनिट से आप टोटल को माइनस कैसे कर सकते हो बाबू, इसीलिए हम लोग क्या किए, जब कंट्रीब्यूशन टोटल निकाल लीजिएगा ना, तब इसमें से क्या माइनस कर दोगे, टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लिए, इसके बाद क्या माइनस कर दोगे, फिक्स ओवरहेड या फिक्स कॉस्ट कितना बाबू 1,00,000। तो प्रॉफिट पहला कॉम्बिनेशन से प्रॉफिट कितना होगा 1,19,000, कोई दिक्कत, सेम सेकंड वाला में क्या है 600 इंटू 120 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बोलिए कितना 2000 कैसे होगा, यस 72,000, और सेकंड वाला 1000 इंटू 165 165,000, दोनों जोड़ के 1,37,000, उसमें से फिक्स कॉस्ट 1,00,000 1,30,000। अब आप लोग बताइए कौन सा मिक्स है, मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन से ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, 1 की 2। तो लास्ट में आंसर बनाने के बाद लिखना होगा कमेंट, सेल्स मिक्स 2 इज प्रॉफिटेबल,
प्रॉफिटेबल। एक बार शॉर्ट में पूरा सम्स को समराइज कर रहे हैं, हम जो पहला चार्ट बनाए उसी पे पूरा चैप्टर है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। हम पहले क्या किए, कंट्रीब्यूशन निकालिए सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके एक पीस का कंट्रीब्यूशन निकालिए, उसके बाद हम क्या किए सेल्स मिक्स में बैठा करके टोटल कंट्रीब्यूशन निकालिए, देखिए निकालिए ना, टोटल कंट्रीब्यूशन से क्या माइनस किए फिक्स्ड कॉस्ट, आंसर क्या है प्रॉफिट, ये जो आया ये क्या है प्रॉफिट, और जिसका प्रॉफिट हायर होगा वही वाला एक्सेप्ट करोगे, इसी को बोलते शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। तो आपने कमेंट करके क्या लिखा है, सेल्स मिक्स टू इज प्रॉफिटेबल सो कंपनी शुड सिलेक्टेड, कुछ भी लिख सकते हो आप अपना लैंग्वेज में, ठीक है उतारिए, पहला समझो गया फिर दूसरा करें। चलिए देखिए अब आते हैं दूसरे सम्स में, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन नंबर टू, प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई सेम फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेट वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग टू ऑल्टरनेटिव्स यू वुड रिकमेंड एज अ मैनेजर एंड वाई, आप कौन सा दो में से एक तो एक्सेप्ट करोगे और क्यों करोगे, मतलब रीजन के साथ, कॉमन सा बात है प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो करेंगे। सेलिंग प्राइस दिया है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस मतलब वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स ओवरहेड 750, वेरिएबल ओवरहेड 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ऑल्टरनेटिव तीन ऑल्टरनेटिव आपके पास, 250x 250y 400 खाली y 400x 100y, सेम सम्स है ना, सम्स तो सेम ही है, हल्का फुल्का कैलकुलेशन डिफरेंस होगा, सम्स तो सेम ही है, देखिए फिर से वही स्टाइल में, पहले क्या करेंगे पेज नंबर लगा दीजिए एक बार, 16 क्वेश्चन नंबर, पहले क्या निकालेंगे बताइए, कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं एक्स और किसका वाई, देखिए सेल्स कितना दिया वो बताइए, पर यूनिट ₹25 और ₹20, वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या बोलू, मटेरियल कितना, मटेरियल 8 और 6, लेबर कितना, लेबर में क्या बोला, लाइन पढ़िए तो एक बार, लेबर के बारे में क्या बोला, एक आदमी रीडिंग करिए क्या लिखा हुआ, वेजेस लेबर एक ही चीज होता है, लेबर पे ना वेजेस होते हैं, एक बार पढ़िए, मतलब बोला है कि एक पीस बनाने के लिए 24 घंटा लगता है और एक घंटा का रेट है 0.25 पैसे, इसका मतलब यहां पे कितना लोगे, 24 × 0.25 पैसे, बोलो अमाउंट कितना आएगा, 6, उसको बनाने में कितना घंटा लगता है, 16 आवर्स, एक घंटा का रेट, आंसर 3.84, और वेरिएबल ओवरहेड कितना परसेंट बोला है बताइए, बोला लेबर का 150%, तो लेबर कितना है 6 का 150% ₹9, और ये 3.84 का 150% 5. फाइनल आंसर, कंट्रीब्यूशन बोलिए, कंट्रीब्यूशन बोलो, माइनस करना है आप जोड़ दे रहे हो लग रहा, 25 - 8 - 6 - 9 ₹2 उसका, सेकंड वाला का बोलिए 4.4, कैलकुलेशन ठीक क्यों ना, चलो तो ये देखो सेम, अब फिर क्या करेंगे, तीन तो मिक्स निकालेंगे उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे जिसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा वाला एक्सेप्ट कर लेंगे, बताइए सेल्स मिक्स 1, सेल्स मिक्स 2 और सेल्स मिक्स 3, देखिए एक्चुअली क्या है आ चुकी है, ये पहला टाइप हो गया, बहुत सारा पेपर में देखोगे इसी टाइप का क्वेश्चन आया, ये फर्स्ट टाइप, इसमें दो तीन कैटेगरी है, तो ये फर्स्ट कैटेगरी और फर्स्ट और सबसे इजी कैटेगरी है और सबसे पॉपुलर कैटेगरी है, सेल्स मिक्स 1 ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये, सेल्स मिक्स और सेल्स मिक्स, अब आप लोग बताना प्रोडक्ट कौन कौन सा है मेरे पास, एक्स और वाई, एक्स का कंट्रीब्यूशन कितना है ₹2, ऐसे कितना है ₹4.40, 250 पीस है ना, दो कितना हो गया 500, और ये वाला कितना पीस है बाबू 250, ₹4.40 मतलब 1100, 500 कितना हो गया 1600, ये हो गया टोटल कंट्रीब्यूशन, यस और नो, और इसमें से क्या माइनस होगा बोलो,
फिक्स ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड कितना है? 750। तो फाइनल आंसर प्रॉफिट 850। इसी तरह से दोनों का निकालेंगे, हाँ कि नहीं बोलिए। इसमें शायद x नहीं है, खाली y है ना, y कितना पीस? 400 इंटू 4.4 1760। इधर भी 1760, 750। आंसर बोलो 1010। इसका क्या बाबू कॉम्बिनेशन? 400x का 800 और 100y का 440 शायद। आंसर 1240, 750 माइनस 400। आप ही बता दो तीनों में सबसे ज्यादा प्रॉफिट किससे? तो राइट आंसर क्या, कमेंट में क्या होगा कमेंट देखिए कैसे लिखेंगे। बोला ना क्यू और क्यू, कौन सा और क्यू? तो सेल्स मिक्स टू शुड बी क्या एक्सेप्टेड? क्यों बताइए? बिकॉज ऑफ हायर प्रॉफिट। अब समझिए आधा चैप्टर खत्म हो गया, इस चैप्टर में दम ही नहीं, मतलब आप बहुत इजी चैप्टर कर रहे हो ये, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उतारिए। थैंक यू सो मच। पेज नंबर हाँ चेंज कर दे रहे।